सो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि गणपति बप्पा सबके घर में आते हैं, तो किसी कारण बस अगर हमें ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो हम स्वयं से साधारण तरीके से गणपति बप्पा को किस तरह से स्थापना कर सकते हैं, ये शास्त्र विधि है। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। जैसे कि गणपति बप्पा को आप लेके आ रहे हैं तो उनका मुँह ढक के लेके आएँ, फिर दरवाजे पर उनको लाने के बाद वहाँ पर उनका आरती करें और वहाँ पर घंटी बजाते हुए बाजा कुछ भी बजाते हुए उनको घर में लेके आए। घर में लाने के बाद जहाँ पे आप पंडाल बनाएं वहाँ पे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा से अष्टदल कमल बना के फिर वहाँ पे गणपति बप्पा का विराजमान करें। और गणपति बप्पा के दाएं और बाएं दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करें। एक पान के पत्ते पर सुपारी और चावल रख के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि माता को ऐसा भाव रखते हुए विराजमान करें। और भगवान गणपति के दाहिने हाथ के तरफ कलश स्थापना करें, कलश के गर्दन पे कलावा बांध लें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें और पान का पत्ता डाल के उसके अंदर हल्दी कुमकुम सिक्का सुपारी डाल के एक नारियल पे पूर्ण पात्र चावल का रख के फिर नारियल रख के ऐसा कलश स्थापना करें। सब करने के बाद आप फिर जल से, गंगा जल से और दुर्वा से भगवान गणपति के ऊपर छिड़के और वहाँ पे रिद्धि सिद्धि माता को और उसके बाद कलश देवता को सबको छिड़काव करके फिर भगवान जी का पूजा चालू करें। पूजा करें तो सबसे पहले भगवान जी को सिंदूर अर्पण करें, जल स्नान कराने के बाद फिर उनको जनेऊ धारण कराएं। जनेऊ अगर पीला है तो ठीक है, नहीं उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी लगा के पीला करके उनको जनेऊ धारण कराएं। फिर उनको वस्त्र चढ़ाएं, अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा चढ़ाएं, सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ के कलावा चढ़ा दें और एक माला के जैसे गणपति बप्पा को कलावा चढ़ा दें ऐसा भाव रख के कि मैं वस्त्र चढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद उनको इत्र लगा दें, अत्र सुगंधित लगाएं, फिर उनको सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद उनको हार फूल धूप दीप सब करने के बाद उनका पूजा हो जाने के बाद फिर एक मिरर लेके उनके सामने शीशा लगा के उनका मुख का जो पर्दा है उसको हटा के उनको शीशा दिखा के इस तरह से भगवान गणपति का स्थापना करें। फिर हाथ में कुछ जल लेके, चावल लेके और दक्षिणा लेके संकल्प ले, जितने दिन के लिए आप गणपति लाए हैं उतने दिन के लिए आप संकल्प ले कि हे गणपति बप्पा, आप इतने दिन के लिए मैं आपका स्थापना कर रहा हूँ, मुझसे जो कुछ भी पूजा में भूल चूक हुए वो मेरा भूल चूक क्षमा करे और मेरा पूजा स्वीकार करे और मेरी पूजा में आप मेरी सहायता करें कि मैं अच्छे से ये पूजा इतने दिन का निभा पाऊँ। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोलिए, नहीं मंत्र आता है तो आप ऐसे ही साधारण भाव से भी भगवान को याद करके उनको पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान जी को सब भोग लगाने के बाद उनको मीठा पान एक जरूर लगाएं, अगर मीठा पान नहीं है तो लौंग इलायची मुखवास के लिए उनको जरूर दे। उसके बाद उनका कथा पढ़ लें, गणपति बप्पा का जो कथा आता है वो पढ़े। उसके बाद पूरा परिवार मिलके उनका आरती करें। आरती करने के बाद हाथ में कुछ पैसा लेके उनको दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ा के हो जाएगा तो क्षमा याचना पढ़े, भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान हमसे जो कुछ भी पूजा में गलती हुई गणपति बप्पा उसे क्षमा करें। और अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को सबका ध्यान लगाते हुए भगवान जी से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। इस तरह से आप साधारण तरीके से भी गणपति बप्पा का स्थापना कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको मंत्र आता है आप मंत्र बीच में बोलते रहें, अगर मंत्र नहीं आता तो मैं ऊपर भी लिखी हूँ इस तरह से, गजानंद भूता गणादि सेविकम कपित जम्बू फलचार वक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमा विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर नहीं बोल सकते तो हम गंग गणपतियों नमः इस तरह से मंत्र बोलते हुए आप स्थापना कर सकते हैं। अगर इसमें जो कुछ भी गलती हुएगी, भगवान सब भाव के भूखे होते हैं तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। और इस बार के जो गणपति आ रहे हैं वो 31 तारीख की सुबह 6:12 से 9:19 तक का शुभ मुहूर्त एक है और दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 10:53 से 12:21 तक है। तो ये दो शुभ मुहूर्त है, इस टाइम पे आप गणपति बप्पा का स्थापना करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस यही जो मुझे आता है मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की, राधे राधे।